वर्धामना से प्रतापगढ़ यूपी जा रहे लोगों को वाड़ी पुलिस ने रोका। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पहले धारा 144 लागू कर संचार बंदी की गई, फिर भी लोग सड़क पर दिखाई देने से कानून को सख्त किया गया। कोरोना को रोकने के लिए जिला बंदी करनी पड़ी। वाड़ी वर्धामना से प्रतापगढ़ यूपी की ओर ट्रक में जा रहे करीब 50 लोगों को वाड़ी पुलिस ने जाने से रोका है। शनिवार को पुलिस गश्त के दौरान दिखाई देने से वाड़ी पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि यहां पर काम करने वाले लोग अब अपने गांव की ओर रुक कर रहे हैं। लेकिन अब राज्य तो क्या, सरकार ने जिला बंदी करने से लोगों को जहाँ के वहाँ रहने की नौ बता रही है। ट्रक क्रमांक MH40AK 5267 शनिवार दोपहर के समय वर्धामना से ट्रक में चालक व क्लीनर के साथ 50 नागरिक लेकर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य के लिए रवाना हो रहे थे। इसकी सूचना वाड़ी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने गश्त के दौरान ट्रक को रोक दिया। पुलिस ने ट्रक के साथ चालक, क्लीनर व 50 लोगों को ताबे में लिया। 21 दिन का पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में गरीब व अशिक्षित लोगों को पता ही नहीं चला कि सरकार ने क्या आदेश दिए, वह चल पड़े अपने गांव की ओर। वाड़ी पुलिस यदि नहीं रोकती तो राज्य के बाहर कहीं ना कहीं उन्हें रोका जाता, जिससे उन्हें काफी समस्या होती। लोगों ने कहा कि हमारी रोजी रोटी डूब गई, पैसे नहीं है, खाने के लाले हैं, ऐसे में इतने दिन हमें कौन खाना देगा, घर जाकर परिवार में रहेंगे तो कुछ राहत मिलेगी, अब हम ना इधर के ना उधर के रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, जितने दिन बंद रहेगा उतने दिन हमारे खाने की व्यवस्था करा दे। सभी लोग परेशान दिखाई दिए, लेकिन पुलिस भी क्या करेगी, उन्हें सरकार के दिए आदेशों का पालन करना है, वही वाड़ी पुलिस ने किया है। इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र पाठक, पुलिस निरीक्षक दीपक पाटिल, सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल लाकड़े, प्रशांत देशमुख, महेंद्र शर्मा के, जितेंद्र दुबे, सुधाकर उइके, दिलीप आड़े ने अंजाम दिया है। ट्रांसपोर्ट का धंधा बंद है, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टर ने लोगों को घर पहुंचाने का धंधा चलाने की जानकारी एक ट्रांसपोर्टर ने बता दिया। एक प्रवासी से 1500 से 2000 रुपए लेने की जानकारी प्राप्त है। बताया कि शुक्रवार को वाड़ी पुलिस को चकमा देकर वर्धामना से दो ट्रक रवाना हुए, जिसमें 250 लोग सवार थे। यह लोग किसके पास काम कर रहे थे, इसकी जानकारी पुलिस ने लेने की मांग हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर वर्धामना में लोग कैसे हैं, यह सवाल सामने आ रहा है। आज कोरोना वायरस के तहत जो बंदोबस्त और पेट्रोलिंग चल रही है और कोरोना का फैलाव न हो, इसलिए जो जो कोशिशें करनी मांगती है कानून से, उस कोशिशों के तहत दिनांक 28/3/2020 को शाम को 17 बजे हमारी पेट्रोलिंग चालू थी। मैं खुद पेट्रोलिंग में था। उस टाइम मुझे खबर मिली कि वाड़ी वर्धामना से एक ट्रक में कुछ लोगों को भर के ये ट्रक उनको छोड़ने के लिए यूपी प्रतापगढ़ की तरफ जाने वाला है। ये मालूमात मिलते ही मैंने हमारे क्राइम PI पाटिल साहब, PSI लाकड़े, PSI देशमुख और बाकी स्टाफ लेके वर्धामना में जाके सर्च किया तो हमें एक ट्रक मिला, जिस ट्रक में करीबन 60 लोग भरे हुए थे। उस ड्राइवर से, उन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारा मूल गांव यूपी प्रतापगढ़ है और हम यहाँ ड्राइवरी, मजदूरी आदि कामों के लिए आए थे और हम अभी हमारे घर इस ट्रक में बैठ के जा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए इस ट्रक में इतने सारे लोग एक दूसरे को चिपक के बैठ के यहाँ से लेके नागपुर से लेके यूपी तक जाना, और वो उस ट्रक को फिर वो जाते समय छिपाते जाना, मना पीछे की ताड़पत्री बंद करके अंदर वो ड्राइवर मजदूर बैठे हैं, उनका सफोकेशन, एक मिनट का करीब आना, इससे जो घातक परिणाम हो सकते हैं कि किसी को अगर कोरोना वायरस का ये लगा हो तो एक दूसरे को संक्रमण होना, फिर यहाँ से वो लोग अपने अपने घर में जाना, अपने घर के लोगों को संक्रमित करना, आसपास के रहने वाले लोगों को संक्रमित करना, ये सब हो सकता था और ये सब गलत है। ये गलत बात ना हो और इस रोग का प्रसार ना हो, या ये जो लोग भी सेफ रहे, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने उस ट्रक के ऊपर कार्रवाई की। ट्रक ड्राइवर के ऊपर 90/2020 के तहत IPC 188/269/270/271 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 373/135 के तहत गुनाह दाखिल किया है। कानूनी कार्रवाई इस ड्राइवर पे की है हमने, और वो जो मजदूर लोग हैं
या ड्राइवर लोग है उनको, उनके जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं जिनके यहाँ काम करते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम इनको संभालेंगे, इनको खाना बना रहने का प्रबंध करेंगे, तो उनके ताबे में दिया है। वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।